ये वीडियो कंटिन्यूएशन है लास्ट पार्ट का, जिसमें नीटम की एंजियोस्पर्मिक फीचर्स को एक्सप्लेन किया गया है. लेट्स कंटिन्यू. एफिनिटीज ऑफ नीटम विद एंजियोस्पर्म. लीफ जो होती है वो यूनिकॉस्केट रेटिकुलेट वेनेशन शो करती है दोनों ही एंजियोस्पर्म्स और नीटम में. प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल्स होता है. सेकेंडरी ग्रोथ होता है जिससे कि सेकेंडरी वुड की फॉर्मेशन होती है. जो इंटेग्रमेंट होता है, इनर इंटेग्रमेंट, वो माइक्रोपाइलेट ट्यूब की तरह डेवलप करता है. और जो न्यूट्रिटिव टिश्यूज़ होती हैं वो एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की स्टाइल की को रिजेंबल करने लगती हैं. जो शैलो पॉलन चेंबर्स और माइक्रोपाइल होता है वो भी एंजियोस्पर्मिक पॉलन की चेंबर की तरह ही होता है. टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है. जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो सेल्यूलर हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद. जाइगोट डिवाइड करता है दो में और कोई भी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है. प्रेजेंस ऑफ दो कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है डाइकॉट की तरह. जो ट्री हैबिट होता है वो नीटम में, या फिर जो क्लाइंबर हैबिट होता है नीटम में, वो दोनों ही एंजियोस्पर्मिक हैबिटेट को रिजेंबल करता है. जो फ्लोएम होता है नीटम में वो सिमिलर होता है एंजियोस्पर्म्स के जैसे. जो पेरियंथ और ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है वो सिमिलर होता है मेल फीमेल फ्लावर में. जो भी पेरियंथ और ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है वो सिमिलर होता है एंजियोस्पर्म्स के. और जो लायंस प्रेजेंट होते हैं नीटम में वो सिमिलर होते हैं एंजियोस्पर्म्स से. अब इसको कंक्लूड करते हुए ये कहा जा सकता है कि आबर और पार्किंस ने अपना ये व्यू प्रोवाइड किया था कि जो एंसेस्टर्स थे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के वो कॉमन थे, इसलिए इन्हें हेमी एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है. थॉमसन ने ये कहा कि जो एंसेस्टर्स थे एंजियोस्पर्म और नीटेल्स के वो काफ़ी क्लोज थे. हैगर्स अपने ये अपनी स्टडी ऑफ फ्लोरल डेवलपमेंट ऑफ पार्पिरेसी एंड नीटेल्स में ये अपना व्यू रखा. अपने स्टडी के बाद ये कंक्लूजन पे वो आए कि ये दोनों जो हैं वो काफ़ी क्लोजली एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं. उन्होंने अपना एक व्यू ये भी रखा कि जो ओरिजिन था पाइपरेसी का वो जिम्नोस्पर्म्स के साथ ही हुआ था. एंडरसन ने अपना एक व्यू ये भी रखा कि नीटम और एंजियोस्पर्म्स के बीच में मैंगोलियेसी फैमिली भी प्रेजेंट हो सकता है, मैग्नोलियेसी फैमिली भी प्रेजेंट हो सकता है. और माहेश्वरी ने एंड में ये कहा कि नीटम्स दो है, नीटेल्स जो है, जो नीटेल्स का ऑर्डर है नीटम सॉरी जो नीटम का ऑर्डर नीटेल्स है वो फाइलोजेनेटिक एक पज़ल है, क्योंकि ये नीटम में क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों ही के कैरेक्टर्स इससे बहुत ज़्यादा ही मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ही सिमिलर होते हैं. थैंक यू.